अनियंग ऐसे यार रेशमा सी अनियासु सन सिंगनिम ये। सो आज जो है हम लोग 10th चैप्टर का स्टडी करते हैं, ठीक है? पढ़िए, इसको रीड कीजिए। हाँ, निका कर। ये जो है फॉर्मल इंट्रोगेटिव एंडिंग है, ठीक है? क्वेश्चन जो हमने कल पढ़ा ना, ओके। बीएफ निदा, ठीक है? हाँ। 9th चैप्टर में जो पढ़ा बीएफ निदा, उसी का ये फॉर्मल इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव एंडिंग है, ठीक है? क्वेश्चन, इंट्रोगेटिव का क्वेश्चन मतलब होता है क्वेश्चन, प्रश्न, ओके प्रश्न, प्रश्न ठीक है? और ये ओके ना, इसका इंग्लिश रीड कीजिए, क्या कह रहा है? निका इज एन इंटरगेटिव एंडिंग फॉर फॉर्मल सेंटेंस व्हेन द वर्ब स्टेम एंड इन अ बबल यू मस्ट यूज निका व्हेन द वर्ब स्टेम एंड्स इन अ कंसोनेंट यूज सिमनिका। ओके, सेम है। जैसे हम लोग 9th चैप्टर में यहाँ पे विनिदा यूज करते थे और यहाँ पे समनिदा यूज करते थे, उसी तरह यहाँ पे जब हम क्वेश्चन पूछेंगे तो जो है समनिका इधर लगा देंगे और यहाँ पे ऐसे ही रहेगा, ठीक है? कब? जब वर्ब स्टेम मतलब जो क्रिया है, हिंदी में क्रिया बोलते हैं, उसका अंत, उस शब्द का जो शब्द क्रिया है उसका अगर एंड हो रहा है वॉवेल से, तब हम लोग विनिका यूज करेंगे। और जब वर्ब का जो है स्टेम लास्ट लेटर वो कंसोनेंट से एंड होगा तो हम लोग समनिका यूज करेंगे, ठीक है? ओके आइए अब हम लोग सेंटेंस देखते हैं, सेंटेंस प्रैक्टिस में से हम समझते हैं, ठीक है? इसको रीड कीजिए। हाँ, मुंजंग योन सम उससे पहले इसको रीड करना है दोनों को। हाँ, सेंटेंस प्रैक्टिस मुंजंग योन सम चलिए पहला, वो पहला रीड कीजिए सेंटेंस इंग्लिश में। सेंटेंस प्रैक्टिस मुंजंग योन सम हाँ, इसको रीड कीजिए। विच बुक डू यू रीड हाँ, ये फॉर्मल क्वेश्चन है, कौन सा बुक आप पढ़ते हो, ठीक है, हिंदी में। अब उसको उसी चीज को कोरियन में बोलना है, ऐसे रीड कीजिए इसको। मूसन छेगुल एक समनिका वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है? नेक्स्ट, ओके सेकंड। वेयर आर डू यू हैव लंच छम सी मु इसको छ बोलना है ना छोम नहीं, झम ने झम बोलना, झम झम सीमन। छम सी मान मान ओ दी ये ओ दी ये सा मक सम निका करेक्ट, थर्ड सेंटेंस। व्हाट इज देयर इन द रिफ्रिजरेटर फ्रिज है, फ्रिज, फ्रिज, रेफ्रिजरेटर मतलब फ्रिज, ठीक है? तो ये कह रहा है कि क्या ओके है फ्रिज के अंदर, क्या है? रीड कीजिए इसको। निंग जंग गो आन्यो आन्यो मु ओ सी सिमनिका मूसी इस समय का। इस सिमनिका हाँ मुओसी हाँ यहाँ पे सम इसलिए लगा है, सम इसलिए लगा है क्योंकि यहाँ पे सौ जो है ये लास्ट वर्ड है और ये कंसोनेंट, ठीक है? यहाँ भी समनिका इसीलिए लगा है क्योंकि कॉज है, मोक्ता में होता है टू ईट, भोजन करना, तो ये कॉज है कंसोनेंट, ठीक है?
यहाँ भी जो है ये यहाँ भी कॉन्सोनेंट है इसीलिए सम लगा है। ठीक है, अब आते हैं विनिदा पर। ठीक है, अब इसको रीड कीजिए, फोर्थ सेंटेंस। विंडो सुनीता कम हम, हाँ, कब सुनीता घर आती है? सुनीता नन वंजे सिबे ओबनिका। हाँ, यहाँ पे विनिका लगा क्यों? क्योंकि यहाँ पे वॉवेल से एंड। ठीक है, ओदा मतलब होता है टू कम। ठीक है, तो ये दा हटा के हम लोग विनिका लगा दिया। ठीक है, ओके ओमनिका। ठीक है, चलिए अब फिफ्थ सेंटेंस। व्हेयर डू यू गो, ओ दिए इसको क्या क्या बोलना है ना, का खा 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 खाबनी का हाँ, खमनिका। हमने का। हाँ, वेयर डू यू गो मीन्स कहाँ जाते हो। ठीक है, हिंदी में तो ओके okay. वो दिए खमनिका। नेक्स्ट, छठा सेंटेंस। आर यू इन अमेरिकन, क्या आप अमेरिकन हो? मिगुक सारम इमनी का। ठीक है, मेगुक सारा का। ओके गुड, यहां तक में कोई प्रश्न है, कोई डाउट है? अभी नहीं, ठीक है, करेक्ट। ठीक है, ओके गुड, वेरी गुड। चलिए अब चलते हैं कॉन्वर्सेशन में। चलिए पहले वर्ड मीनिंग देख लेते हैं, अभी कॉन्वर्सेशन में मजा आएगा पढ़ने। चलिए वर्ड मीनिंग फटाफट, वर्ड मीनिंग पढ़िए। वोकैबुलरी टेबल नंबर 7। चलिए एरिया रीड कीजिए। जियो जियोक। हाँ, जियो डिपार्टमेंट। हाकवा फैकल्टी। को आगबू नहीं, पू होगा, पू। पू बोलना है क्या? हाँ ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हाकू बोलने में आसानी, हाकबू बोलने में जोड़ देना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट, टू ग्रेट। तो ग्रेट को इंसा हदा टू ग्रेट का मतलब जानते क्या होगा हिंदी में? ग्रेट गीत की ग्रेट है। टू ग्रीट मतलब हुआ, जैसे हम लोग पहली बार मिलते हैं तो नमस्कार करते हैं ना, प्रणाम नमस्कार, एक ओके दूसरे को प्रणाम करते हैं ना, सम्मान देते हैं, जैसे फ्रेंड से मिलते हैं, गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग, वही हुआ इंसान। ठीक है, चलिए ओके म्यूजिक। मुझे को मुम आक हाँ उम आक हाँ करेक्ट, क्वाइटली, तो शांति। यो हाँ सोयंग ही करेक्ट, टू राइट। राइट को सुधा टू होम। नुगु ए ए गे टू लर्न। हे उदा यूनिवर्सिटी। देहाक कोरियन लैंग्वेज। अंगुगे अंगुगो व्हाट, मूसन फनगम वेरी गुड, टू बी ग्लेड। फन खमदा फन खबदा फन भंगपता गप दा ता 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 बोलना है क्या?
हाँ कब तक? हाँ आफ्टर लॉन्ग टाइम। ओरे गान मान इदा हाँ टू रीड, इक्ता वेरी गुड। फ्रॉम वेयर, ओ दी ए सो शो लंच, लंच को छम छम सिम वेरी गुड। नेक्स्ट, अब आते हैं हम लोग कॉन्वर्सेशन। चलिए इसको रीड कीजिए। हे वाह इसको रीड कीजिए। सियोल यूनिवर्सिटी सियोल चे हाक क्यो फिर से पढ़िए। हाँ नहीं 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 दे हाक क्यो करेक्ट। चलिए इसको भी रीड करना है, इसको भी रीड करना है, दोनों। जी यो हाँ अन्य हासे यो अन्योंग हास्यो, अनिंग हासे यो नहीं अन्य अन्य हास्य नहीं है, इसे है। अनिंग अन्नी योंग, अन्योंग अन्योंग हा से यो, बोलिए। अनिंग हासयो अनिंग नहीं, अन्योंग हास्यो। हाँ अनिंग हासयो अनिंग करेक्ट, इसको 20 बार बोलिए फटाफट। हासयो अनिंग हासयो अनिंग हासयो अनिंग हासयो अनिंग हासयो अनिंग होल्ड होल्ड, हासयो रुकिए रुकिए, आनिंग नहीं है जी, अन्योंग। अनिंग हासियो अन्योंग, देखिए पहले इसको पढ़िए। अन अनिंग हाँ हासियो अनिंग नियोंग, हासियो ऐसे पढ़िए। अन्योंग अनिंग अनियोंग हासियो हाँ, पढ़िए पूरा इसको 4 बार। अनियंग हासे यो अनियंग अनियंग हासे यो अनियंग हासे यो अनियंग हासे यो अनियंग हासे यो और पढ़िए 4 बार। अनियंग हासे यो अनियंग हासे यो अनियंग हासे यो हासे यो अनियंग हासे यो अनियंग हासे यो अनियंग हासे यो मैं इसलिए बोल रहा हूं पढ़ने के लिए कि ये पहला शब्द है जो कोरियन यूज करते हैं किसी से मिलने पे, ठीक है? ओके और लास्ट वाला शब्द होता है खामसा हमनिदा, ठीक है? जो बात करने के बाद बोलते हैं, जैसे हम लोग धन्यवाद बोलते हैं वैसे ही, ठीक है? तो ये दोनों वर्ड तो कम से कम अच्छे से बोलना है, बीच में आप कुछ भी बोल दीजिए चलेगा, राइट? अब इसको हम पढ़िए, सामने खामसा हमनिदा ऐसे पढ़ना है। खमसा हमनीदा हाँ ठीक है, फिर ओके से पढ़िए इसको, इस लाइन को। हाँ अनियंग हासियो हाँ से यो, अनियंग हासियो हाँ करेक्ट। चलिए इसको पढ़िए। ओरे गान गान मान सिमनिदा सौ कहाँ है कहीं सौ? हेलो हाँ ओरे गान गा गान मान सिमनिदा
सिमनिदा कहाँ है जी? यहाँ तो हिमनिदा लिखा हुआ है। ओके ओके सॉरी, इबनी इबनिदा सिम नहीं इबनिदा। रिश्वत थोड़ा बड़ा करूं? हाँ थोड़ा सा जूम करना। आप ठीक है? ओके ओके चलिए नेक्स्ट पर सुनीता देखिए क्या बोल। सुनीता, इसको बोलने पा पा पो बोलने ना, भा भंगापसा निदा। फन फनगा समनिदा, सम फनगा समनिदा भंगाप समनिदा। फनगा समनिदा। हाँ नेक्स्ट किम यंग जो क्या कह रहे हैं देखिए। ईगो सन आ मु मूसन छेक छेक इ आ इम्निका इम्निका। करेक्ट। इसका मतलब है कि यह कौन सी पुस्तक है? आइए सुनीता बोले। ईगो सन आ हनगुक हनगुगे छेक इम्निदा। फिर से पढ़िए इसको। हन गुगो हन गुगो नहीं, जिसको कई बार आपको बताए हैं जी। ये हो गया इसका जो प्रोनाउंसिएशन है, उच्चारण है, इसे होगा हंग गु गो। हन गुगो हन नहीं, हंग गुगो अंगो है ना, ये देखिए ये अंगो साउंड है ना। ओके ओके हाँ गुगो हाँ हंग गुगो। हंग गूगो हाँ बोलिए, यहाँ पे लिखाएगा ऐसे ही जहाँ लिखा हुआ सेंटेंस में, ठीक है? वो पढ़ना ऐसे है, पढ़ना ऐसे है, ठीक है? समझ गए हान नहीं बात? बोलना, सॉरी इसको हान नहीं बोलना, हांग बोलना ना। हाँ ओके हंगुगो छेक इम्निदा। हाँ करेक्ट। चलिए किम यांग जो देखिए क्या बोल रहे हैं। ओदी ऐसा हंगुगो हंगुगो अरुल हम फेउ निका। करेक्ट। इसको फिर से पढ़िए इसको इसको। इसको ओदी यो ओदी ऐसा ये क्या बोले इसको? ओदी ए सो ओदी है सौ। ओदी ए सो सा नहीं सो। हाँ चलिए नेक्स्ट लाइन सुनीता देखिए क्या बोल रही। सोउल सोउल दे हाक्यो देहा क्यों यो सा यो सो ओहो, देखिए क्या है बाबेल। ये कौन सा बाबेल है? क्या बोलते हैं इसको? ओ सो नो, इसको क्या बोलते हैं? बोली डिप्थोंग। डिप्थोंग है तो? नहीं, हाँ डिप्थोंग। बोलिए इसको क्या बोलते हैं? यो नो ए। ए ओके ओके इसको ओ बोलते एक हैं, लाइन है ना। इसको बोलते हैं ए, ये ओके ओके ये एक लाइन है ना सॉरी। ठीक है ये। हाँ एसो
अभी पढ़े ना जी ऊपर। हाँ, अंगूगे इसको 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 सॉरी सॉरी हंगुगो हंगुगो और रूल रूल इसको बबल नहीं और फेकुल निदा हाँ करेक्ट पर है। हाँ फे कुल निदा वेरी गुड। नेक्स्ट लाइन। साउल साउल दे साउल दे हागुगो हागुगोन सॉरी दे हाक्यो नन ओदी ये इसम निका ओदिये नहीं है, ओदिये है, ओदिये औदीय औदिये ओदिये। औदीय नेक्स्ट पढ़िए। नेक्स्ट लाइन सुनीता बोल रही है। साउल सुनीता यहाँ है, बोल रही है। साउल दे हक क्यों नन साउल इस बुक चोक के इसम निदा वेरी गुड। नेक्स्ट एक बड़ा सेंटेंस लिखिए। बढ़िया। साउल ओके साउल दे हक क्यों सोल सोल का ये नहीं देखिए इस क्या। जो और जिसको ये यहाँ, चौ जो हाँ, और ये यहाँ आ जाता है, यहाँ आ जाएगा। जो जो रेप सम ये ओ है ना जे, ये ऐसे हो जाएगा ना, रो हो जाएगा ना। जो जो रेप अरे ये आओ है जी, आओ है, ये नहीं है, आओ है ना ये। नहीं जो समझे? हाँ यहाँ पे ऐसे है छो एंड ऐसे है रो। अब पढ़िए क्या हो। जो रूप हाँ वही तुम्हें बोल रहा हूँ। जो रूप सांग साल जो है। रूप सिंह सिंह हाँ जो रूप सिंह आंसू सू नहीं है जी, जो है ये जो। जू जू हाँ जू ये हाँ जो है तो, बट इसका साउंड जो है चौ वाला होगा, चौ वाला साउंड। इसको क्या बोलना ये ऊ है ना नहीं चुंगे चुंगे। चुंगी ये वाला चुंगे हो गया, चुंगे ओके चुंगी चुंगे चुंग गे। गे चुके चुगे नहीं, यू चुंगे। हेलो। में ओके चुगे 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 नहीं जी, चुंगे। चुंगे हाँ सॉरी मैं ना नेक्स्ट। चुंगे आ यू आ यू आ मेंग हान युमयांग हान। यू मेंग हान गुआहाक जान छाना चाना चाना चा चा चाना। गुआहाक चाना नेक्स्ट। इसको छांग छिगा नहीं, ये जो ही पढ़ाएगा, जो ही पढ़ाएगा।
जंग जीगा। ये छ पर आएगा ना। ओके, जंग छिगा, जांग नहीं, चौंग जंग जंग छिगा। नहीं जी। आप जांग आपका साउंड आता है, जोंग है, जोंग ऐसे। हाँ जोंग जोंग। हाँ जोंग छिगा, जोंग छिगा, गोनमु, गोनमु, वेन वेन नु के लिए इसको वेन वन 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 दूरी, डारी। वंदरी, एक हाँ मिनट सर, इसको वंदरी, गंगमू वंदरी। वंदरी, मानी, इसम निदा। हाँ, इसका मतलब हुआ कि सुगोल देहातियों से जो है बहुत सारे, मतलब सुगोल देहातियों से जो ग्रेजुएट हुए, छोरब से मतलब ग्रेजुएट, ठीक है, जो ग्रेजुएट हुए हैं उनमें वो सब प्रसिद्ध, कोई पॉलिटिशियन है, कोई साइंटिस्ट है, कोई सर्विस गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, ठीक है, ऐसे कर सरकारी कर्मचारी है, ठीक है, सिविल सर्वेंट, ठीक है। आइए इसको पढ़िए। ओके, सोल सोल देहा क्यों ओनन ओनन ग्योसु नीम ग्योसु नीम आ नीम दौरी, मानी मानी खो सिम निदा, खेसिम निदा। ओके ओके चलिए, कैसा लगा पढ़ के आज? तो ठीक है, लेकिन थोड़ा एक कन्वर्सेशन में थोड़ा थोड़ा वो हो जाता है मुझे, कोई नहीं, बुक है देखना। ना, बुक से डेली रीड कीजिए, जितना चीज लिखा हुआ बुक में वो सब उसको जो है रीड ओके कीजिए, तो ये सब आसान है जी, कुछ नहीं है, ठीक है। ठीक हाँ है, सब पढ़िए, बुक डेली रीड कीजिए, ठीक है, बुक ओपन कीजिए, फटाक से चार चैप्टर रीड कर लीजिए, कोरियन समझ आएगा, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है 11वां चैप्टर पढ़ेंगे और साथ में ये पढ़ेंगे, ये काउंटिंग यूनिट, ठीक है, ये काउंटिंग यूनिट ये वाला, ठीक है। टाइम ओके को जैसे हम लोग बोलते हैं समय, यूटेंसिल क्या बोलते हैं, एनिमल को क्या बोलते हैं, प्लांट को जो है उसका काउंटिंग यूनिट, मतलब गिनते समय हम लोग कहते हैं ना 11 पीस है, 2 किलो है, 4 लीटर है, उसी तरह इसमें भी वही है, ठीक है, यहाँ भी उनके लिए, ओके ठीक है। तो सैटरडे को क्लास जो है हम लोग 7 बजे से करते हैं, 7 बजे से लेके 8 बजे तक में आराम से चैप्टर भी हो जाएगा और ये काउंटिंग यूनिट भी हो जाएगा, ठीक है, समझ गए बात। ओके सर, ओके हाँ, ओके, ठीक और उस दिन टेस्ट भी होगा, कौन सा टेस्ट बचा हुआ है? अरे 8 चैप्टर का, राइट, 8वां चैप्टर, राइट। आठ नौ 10 3 हो गया। हाँ तो आप तैयारी कर लेंगे सेंटेंस प्रैक्टिस वर्ड मीनिंग का, आप ठीक है, 3 चैप्टर का कर पाएंगे? एक दिन का समय है आपके पास, बोलिए। हाँ ठीक है, मैं करती हूँ, कितना होगा उतने बोलूंगी। तो जब एग्जाम लीजिएगा तो बिल्कुल ऑनेस्ट रहिएगा ईमानदार, बिल्कुल किताब जो है, बुक जो है बिल्कुल क्लोज रखिएगा, अपने पहले तैयारी कर लीजिएगा, तैयारी करने के बाद अपने मन से जितना आएगा, देखिए मन से क्या है कि मैं, आप पहले से तैयारी करके रहेंगे ना, तो मैं जो बोलूंगा हाँ वही चीज बोलने वाला हूँ जो आपके पास ऑलरेडी किताब बुक में लिखा हुआ है,
ठीक है, वो तो मैं है। नहीं कोई नया चीज तो नहीं बोल रहा हूँ ना लिखने के लिए, नहीं नहीं वही चीज लिखने बोल रहा हूँ जो आपके बुक में है, और आप उसकी तैयारी कीजिए पहले, ठीक है, तैयारी कर लीजिए, सेम लाइन में बोलूंगा, आपको सुन के लिखना है बस, ठीक है। ओके। इससे क्या होगा, आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, अगर आप सही से सुन के सही से लिखने लगेगा, सेम ही लाइन तो लिखना है, मान लीजिए मैं आपको मान लीजिए ये कॉन्वर्सेशन है, ये कॉन्वर्सेशन है, और मैं ये लाइन बोल रहा हूँ, ये आपने पहले से तैयारी कर लिया है, बेबी हिट्स बिस्किट तो हम नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे कोरियन, ठीक है, कोरियन बोलूंगा, आगेगा ग्वाजारन मौसम, बस आपको तो अब पहले से पता है, मेरे बोलने का इंतजार, मतलब जैसे मेरे बोलने का समाप्त हुआ, मतलब पूरा सेंटेंस हम बोल दिए, उसी तरह उसी समय आप लिखना चालू कर, है ना। ओके हाँ ऐसे करना पड़ेगा आपको, पहले से सेंटेंस या आप समझ याद कर लीजिए, या फिर उसको जो है वो सुन के लिख लीजिए, आगे का कैसे लिखना है, ठीक है, यही। आइडिया। हाँ प्रैक्टिस करते रहिए, हो जाएगा, ठीक है, अभी तो 10 चैप्टर हो गया, 5 चैप्टर और बचे हैं, तब फिर हम लोग एक बार रिवीजन करेंगे, ठीक है, फ्रॉम ये फर्स्ट चैप्टर्स, ठीक है, जब जब 15 चैप्टर हो जाएगा तब हम लोग शुरू से रिवीजन करेंगे, ठीक है। हाँ ठीक है। चलिए आप तब तक जो है आप तैयारी कीजिए, आपके पास 1 दिन का समय है, टोटल मैं यहाँ लिख देता हूँ, 8 चैप्टर, 9 चैप्टर, 10 चैप्टर, सेंटेंस प्रैक्टिस करेक्ट और मीनिंग और वर्ड मीनिंग, वर्ड मीनिंग, ठीक है, समझ गए। ओके हाँ इतना तैयारी कर यस। लीजिएगा, और कल तो फेस्टिवल भी है, तो देख लीजिएगा, समय मिलेगा तो तैयारी कर लीजिएगा, नहीं मिलेगा तो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, करना ही करना है, नेक्स्ट डे कर लेना है और क्या, ठीक है, हाँ हाँ क्योंकि कल फेस्टिवल डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, आप फेस्टिवल मनाइए आराम से, ठीक है, ओके हम लोग का तो परसों है, देखेंगे मैं चैट करूंगी और वो और शनिवार सब थोड़ी में है ना, मैसेज छोड़ दूंगी परसों। परसों शनिवार है, तो अगर आप अवेलेबल ठीक है रहेगा तो सर। ठीक है। हाँ मैं ये बोल रहा हूँ नहीं परसों नहीं शनिवार है, आप अवेलेबल रहेंगे, क्योंकि कल तो त्योहार में, परसों त्योहार विजयादशमी है, तो कल उस दिन क्लास नहीं रखते हैं, आप क्या कहते हैं बोलिए, हम लोग ट्यूसडे को मिलते हैं फिर, ट्यूसडे को कौन सा तारीख है, चलिए आपके पास समय मिल गया, ट्यूसडे तो क्या तारीख है, 10 11 12 तो आपका हो जाएगा छुट्टी, चलिए संडे को फ्री रहेंगे, संडे को, हाँ फिर ही होगा समझेगा। हाँ ठीक है, तो संडे को फ्री रहेंगे, हम भी फ्री रहेंगे, तो हम क्लास कर लेंगे, ठीक है, तो आपके पास अब जो है शाम को समय मिल जाएगा, 13 तारीख को शाम को हम लोग क्लास करेंगे ना, तो दिन भर आपके पास समय मिल जाएगा, किसी समय 2 घंटे में तैयारी कर लेंगे, ठीक है। हाँ ठीक है। चलिए तो मिलते हैं 13 तारीख को 7 बजे, ठीक है, ओके 10 तारीख आइए आप, को। हाँ 10 तारीख को कह रहे हैं संडे दस को। दस तो आज ही है ना, नहीं 13 तारीख नहीं को संडे है, आज ही 10 तारीख। ओके 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 हाँ 13 तारीख को संडे है, ठीक है ना, संडे ओके। को, हाँ सैटरडे को फेस्टिवल है ना इसलिए। ओके सर ठीक है, और 11 कल है, तो कल आपका क्लास होगा नहीं, ठीक है, आपके पास 3 दिन का समय मिल गया, आराम से एक एक दिन भी अगर एक चैप्टर करिएगा तो हो जाएगा, ठीक है, ओके सर। चलिए ओके बाय, अन्योन्याश्यो काम्सामिदा, अन्योन्याश्यो नहीं बोलना है, अन्योन्हि खेसेयो रेशमासि, आप बोलिएगा अन्योन्हि खेसेयो सांसंगनिम काम्साहामिदा, बोलिए, अन्योन्य खेस खेयो संचिन्न हमसा अमिदा। अन्योन्हि खेसेयो होता, खेसेयो
अन्योंगी फिर से यो। हेसेयो हाँ साउंड सेंग निम। आने, एक बार फिर बोलना। हाँ बोलिए। अन्योंगी खेसेयो सामसेंग निम। खे से यो करेक्ट। सन सन सिंह निम खामसा खे हामनिदा। खामसा आमनिदा। हाँ करेक्ट। ओके ओके चलिए मिलते हैं। ओके बाय। बाय।